everyone, today we will get ready for a wedding together since the shaadi season is here. To pehla step hoga palo ko hatana. And the second step will be to wear my lenses. Lens pehenne ke pehle acche se haath dho liye the aur mujhe kaafi time laga par maine lens pehen liye. अभी मैं मेरे लिप्स को मॉइस्चराइज करूंगी क्योंकि विंटर्स में मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, तो और कुछ करो ना करो लिप्स को तो मॉइस्चराइज करके एक्स्ट्रा मैंने फेस पे लगा दिया। फिर मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे ना काफ़ी बड़े पोर्स है, तो मेकअप अंदर चले जाता है तो फिनिशिंग बहुत गंदी हो जाती है। दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग अ प्राइमर एंड दीज आर दी ओनली थ्री ब्रशेज आई एम यूजिंग फॉर द आई लुक। और मैं ये पैलेट से मेरा पूरा फेस करने वाली हूँ ऑलमोस्ट। तो मैं सबसे पहले वाइट बेस्ड कर दूंगी सो दैट आई हैव अ गुड मैट बेस टू ब्लेंड द कलर्स। फिर मैं क्रीज बनाने के लिए तीन कलर्स यूज करूंगी, सबसे लाइट वाला सबसे पहले, मीडियम वाला सेकंड और सबसे डार्क वाला एंड में। अभी मैं ऊपर शिमर कलर्स डालूंगी और उसके लिए भी सेम टेक्निक है, लाइट से डार्क। से सबसे लाइट वाला अंदर डाला, मीडियम वाला बीच में और सबसे डार्क वाला बाहर। और इसके लिए मैं वो फ्री वाला स्पॉन्ज एप्लीकेटर यूज़ कर रही हूँ जो हर पैलेट के साथ आता है। ट्रस्ट मी, बिल्कुल वेस्ट नहीं है ये, ना बहुत काम आता है शिमर्स के साथ। ये सारा करने के बाद भी मेरे क्रीज में एकदम डेफिनेशन नहीं था, इसलिए मैंने सबसे डार्क ब्राउन लिया और उसको बस थोप दिया मेरे क्रीज के अंदर और फिर ब्लेंड 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 ब्लेंड। और ये है मेरा फिनिश्ड आई लुक। जानती हूँ डरावना लग रहा है पर मैं कंसीलर से काफी करेक्ट करने वाली हूँ। तो अंडर आईज से मैंने एक्स्ट्रा फॉल आउट निकाल दिया एंड नाउ आई एम गोइंग टू कंसील। जहाँ पे मेरा विंग्ड आई लाइनर आएगा वहाँ पे मैंने एक बेस लाइन ड्रॉ कर दी है ताकि मुझे आई लाइनर करते वक्त ईजी पड़े। और फिर कंसीलर ब्रश लेके मैं उसको बस धीरे धीरे टैप कर रही हूँ ताकि वो बैठ जाए मेरे स्किन पे और स्ट्रीकी ना लगे। इससे ना अंडर आइज काफ़ी नेचुरल लगते हैं। फिर मैं इसको सेट करूंगी मेरे लूज पाउडर से क्योंकि मुझे पूरा दिन चलाना है। मैंने सोचा कि कम पाउडर बेटर होगा ताकि केकी ना हो जाए। देखा, आई लुक ऑलरेडी काफ़ी नॉर्मल लग रहा है। और फिर मैं मेरे बड़े ब्रश से मेरे पूरे मुंह पे ही पाउडर डाल दूंगी क्योंकि मुझे फाउंडेशन नहीं लगाना, क्योंकि इंडियन वेडिंग्स बहुत पसीना होता है इसलिए मुझे फाउंडेशन नहीं लगाना था। फिर मैं मेरे आईलाइनर ब्रश पे कंसीलर लूंगी और मेरे आईब्राउज पे आउटलाइन ड्रॉ करूंगी ताकि वो और फिनिश्ड लगे। और फिर कंसीलर ब्रश लेके उसको ब्लेंड कर दूंगी। बोला था ना आईज काफी नॉर्मल लगने शुरू हो जाएंगे। फिर मैं मस्कारा लूंगी लेकिन उसको मेरे आईज पे नहीं लगाऊंगी, मेरे आईब्राउज पे लगाऊंगी। यूजुअली जब मैं पाउडर से फिल करती हूँ ना मेरे आईब्राउज बहुत ज्यादा बड़े दिखते हैं क्योंकि नेचुरली मेरे काफी थिक आईब्राउज है, तो मैं मस्कारा से मेरे आईब्राउज को बस सेट कर देती हूँ। फिर मैं मेरा फेवरेट ब्राउन आईलाइनर लूंगी और मैं आईलाइनर ना बहुत ड्रामेटिक करने वाली हूँ क्योंकि मैं मस्कारा या फॉल्स आईलैशेस नहीं लगा रही। अभी लाइन तो ड्रॉ हो जाती है लेकिन विंग जो सबसे ट्रिकी पार्ट था ना वो आज इजी हो गया क्योंकि वो कंसीलर से हमने बेस लाइन ड्रॉ किया था।
बीच में से विंग और मेन आई लाइनर को ज्वाइन करना सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, वरना आई लाइनर बहुत वियर्ड और टूटा फूटा लगता है। सेम चीज़ दूसरे आई पे कर दूंगी और हो गया अपना ड्रामेटिक आई लाइनर। फिर मैं आई शेडो पैलेट से पीछी शेड उठा के उसको ब्लश के तरीके यूज़ कर लिया, लेकिन मुझे रिजल्ट ना उतना पिगमेंटेड नहीं लगा जितना चाहिए था। आई नो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लग रहा है, पर मुझे फिर भी मेरे लिक्विड मूज से और ब्लश करना था, फोटोज में भी दिखना चाहिए ना इसलिए। फिर ये मेरा ओनली ब्रॉन्जर ले लिया मैंने, और इसमें से जो हाइलाइटर है ना उसको मैंने मेरे अपर चीक बोन्स पे लगाया। अभी रिजल्ट ना काफ़ी डाइल्यूटेड आ रहा था ब्रश से, इसलिए मैंने मेरी उंगली डाल दी वो पैलेट के अंदर और फिंगर्स से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाइलाइट मिला अगेन, क्योंकि फोटोज़ में दिखना चाहिए। नोज़ पे लगाया, हो गया फाइनल स्टेप लिपस्टिक। और अगेन मुझे लिपस्टिक नहीं लगानी थी क्योंकि वेडिंग्स मतलब नॉन स्टॉप खाना, और खाते वक्त अगर लिपस्टिक निकल गई ना तो पूरा ध्यान फिर लिपस्टिक रीटच करने में रहता है, इसलिए मैंने एक टिंटेड लिप ग्लॉस पहन लिया कि अगर वो निकल भी जाए ना तो वियर्ड नहीं लगेगा। और ये हमारा मेकअप हो गया, फाइनली इट्स टाइम फॉर हेयर। तो सबसे पहले मैंने हीट प्रोटेक्शन स्प्रे लगा लिया और उसको अच्छे से मेरे बाल में मिक्स कर दिया बाय ब्रशिंग इट। और फिर मैंने रबर बैंड्स रेडी रखे एंड मैंने मेरे बाल को सेक्शन किया, जो सेम लेंथ के बाल है ना उनको मैंने खुला रखा और जो बाकी के लेयर्स है उनको बांध दिया। फिर वापस एक बार ब्रश किया क्योंकि कभी भी हीट लगाने के पहले बालों में नॉट्स नहीं होने चाहिए। फिर मैंने ऐसे बालों को कर्ल किया, तो स्ट्रेटनर को एक बार टर्न किया, बालों को उसके ऊपर टर्न किया और बस धीरे धीरे नीचे खींच दी गई। अगेन स्ट्रेटनर को अंदर टर्न किया, बालक उसके ऊपर एक बार और फिर धीरे धीरे नीचे तक। मुझे ना दूसरे साइड से ये करने में बहुत तकलीफ होती है, तो मैं सारे बाल को एक ही साइड पे लेके आती हूँ। नसीब से मेरे बाल काफी लंबे हैं और हो गया ऐसे। खाली फ्रिंज को अवे फ्रॉम द फेस करने में याद रखना, वरना थोड़ा वियर्ड लगेगा। बट दिस इज माई फिनिश्ड हेयर लुक। और हाँ, स्प्रे कर देना क्योंकि पूरा दिन चलाना है। दिस इज माई मिनिमलिस्ट आउटफिट। अब मेरी रेगुलर इयररिंग तो निकलती नहीं है, तो मैं उसी के अंदर हुप्स पहन ली और दीज बैंगल्स विच आर रोज गोल्ड। फिर मेरा रोज गोल्ड वॉच और उसका ना डायल चेंज होता है, तो सिंस माई आउटफिट इज पिंक एंड ग्रीन तो मैंने मेरे वॉच को भी पिंक बना दिया। फिर शूज़ के लिए मैंने मेरे गोल्डन हील्स पहने जो तुमने रिसेंटली एक हॉल में देखे होंगे, और अगर तुम मेरे तरह एक्स्ट्रा हो तो तुम फोन कवर भी चेंज कर सकते हो। और फिर बैग लेना ना बड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने ये पोटली ली जिसके अंदर मैंने मेरे एसेंशियल्स डाले, लाइक फोन, लिप ग्लॉस, वॉलेट पूरा नहीं, सिर्फ ट्रैवलिंग जितने और इमरजेंसी जितने पैसे ले लिए, एंड एक रबर बैंड और परफ्यूम और बस दुपट्टा पहन लिया। सो दिस इज द बिफोर एंड द आफ्टर।
अगर तुम्हें ये यूज़फुल लगा या पसंद आया तो प्लीज़ लेट मी नो डाउन बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन गुड बाय.